आज ये अग्निपथ, अग्निवीर, फिर अग्निवीर की बात, फिर रेलवे वीर व शिक्षा वीर, फिर उसके बाद चिकित्सा वीर, इसी प्रकार के ठेके में सब कुछ लाना चाहते हैं। ये इसका विरोध नौजवान जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, सुबह से दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेना में जाएंगे, देश सेवा करेंगे, सीमा की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उनको उनके सपनों को चकनाचूर करते हुए 4 साल के ठेके में रखेंगे, जिसमें 6 महीने वो केवल ट्रेनिंग लेंगे। 6 महीने में तो बराबर मार्च पास्ट और वर्दी पहनना, सेना में तो और कड़ाई से प्रोटोकॉल पालन होता है, इनको सीखने में उतना समय निकल जाता है, और उसके बाद 3.5 साल बाद आप भूतपूर्व हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। रिटायर के समय आदमी दादा नाना सब बन जाता है, ये तो रिटायरमेंट के बाद शादी करेंगे और फिर इसके सामने भविष्य कुछ नहीं। इस योजना के माध्यम से देश के सीमाओं के साथ खिलवाड़, फौज के साथ खिलवाड़ और नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जंतर मंतर में भी धरना दिए और अभी 27 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं खुद भी पाटन विधानसभा में रहूँगा, अपने विधानसभा में सबको रहना है, मैं अपने विधानसभा में रहूँगा, सारे विधायक अपने अपने विधानसभा में, जहाँ विधायक नहीं है वहाँ फिर पार्टी के पदाधिकारी ये लोग जाएंगे, लेकिन अपने अपने विधानसभा में सब रहेंगे। ये देश के सुरक्षा को लेकर, देश के नौजवानों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और राहुल जी लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब जब सरकार गलत फैसला करती है तब तब वो आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे वो नोटबंदी के समय हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल के मामले में, 3 कृषि कानून के मामले में हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे चीन के हमारे सीमा में घुसकर 1000 वर्ग किलोमीटर कब्जा करने के मामले में, सब मामले में राहुल गांधी लगातार बोल रहे थे। तो अकेले नेता हैं जो लगातार बोला, इस कारण से राहुल जी की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, जो कभी सफल नहीं होंगे।